स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब सितात उम्मत मुस्लिमा का हज और उमरा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 20 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। हिजबुल्लाह से इसराइलियों की नींद हरा। इसराइली दारुल हुकूमत पर हमलों के बाद अब सहयूनी जासूस यूनिट हेडक्वार्टर पर दागे मिसाइल। वहीं लेबनानी बॉर्डर पर इसराइली फौजी इज्तम को भी बनाया निशाना, मुतादित हलाक व जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत। अब बिना पेशकशी वार्निंग इसराइल ने पीएम ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस और सिफारत खानों के करीब की बमबारी। फास्फोरस बमों का भी किया इस्तेमाल, मुतादित जाँबहक। लेबनान में इसराइली जारहत, अंदरून 2 माह 200 से ज्यादा बच्चे मारे गए। अक़्वामे मुत्तहिदा के बच्चों के फंड, यूनेस्को की रिपोर्ट, कहा लेबनान दूसरा गजा बनने की राह पर गामजन। गजा में अशियाए खुर्द व नोश की लूट मार। इंतहा पसंद इसराइलियों ने गजा में इमदादी सामान के 109 ट्रक पर गजा में दाखिल होते ही कर दिया हमला। गजा पर हमास की हुकूमत नहीं रहने देंगे बाकी, इसराइली पीएम नेतन्याहू का बयान। अपनी अफवाज को दी पेशकश, जो एक यरगमाली को वापस लाएगा उसे दिया जाएगा $5 मिलियन का इनाम। दोहा में हमास का सियासी दफ्तर मुस्तकिल तौर पर नहीं किया गया बंद, कतरी वजारत खारजा ने की तस्दीक। मजीद कहा, हमास के रहनुमा फिलहाल दोहा में नहीं। यमनी हौसियों ने बहरे अहमर में एक जहाज को मुतादित मिसाइलों से बनाया निशाना। हौसी तर्जुमान ने कहा, जब तक गजा व लेबनान में इसराइली जारहियत बंद नहीं होती, हमले रहेंगे जारी। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग का नया दौर किया शुरू। पहली बार रूस पर लॉन्ग रेंज अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा मुल्क जहां पर सबसे सख्त कानून नाफिज। इस साल मंशियात, कत्ल व दीगर मुकदमात में मुलविस 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को दी गई सजाए मौत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगले साल हिंदुस्तान का कर सकते हैं दौरा। सिफारती जराए के मुताबिक बन सकते हैं यौम जमहूरिया तकरीब के मेहमान। पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड। अब गुयाना और बारबरूस ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े एजाज से नवाजने का किया ऐलान। झारखंड में, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन, जबकि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धांधली, सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। यूपी बाई इलेक्शन, कानपुर में पुलिस के जरिए बुरका हटवाकर वोटरों के शनाख्त कार्ड किए गए जांच। कई मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को वोट डालने से रोकने की भी खबर। यूपी बाई इलेक्शन में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के इल्जाम के दरमियान इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर कई अफसरान मुअत्तल। महाराष्ट्र में वोटिंग के दरमियान अजीत पवार ने सीएम फेस को लेकर किया बड़ा दावा, कहा जो एमएलए मुंतखब होगा वही फैसला करेगा कि कौन होगा वजीर आला। मोदी जी को अपनी जिद छोड़कर जाना चाहिए मणिपुर, सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बराम का बयान। रियासत के लोगों से बरह रास्त बात कर अमन कायम करने की अपील की। तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर में बीजेपी हुकूमत पर मंडला रहे कतरात के बादल। भाजपा के अंदरूनी इख्तलाफात में इजाफा, 19 अराकीन असेंबली हुए बाकी। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन वोटिंग से कबल बीजेपी लीडर विनोद तावड़ेस पर पैसे बांटने का इल्जाम। प्रियंका चतुर्वेदी ने पैसे से इलेक्शन जीतने की कोशिश का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। दिल्ली में आलूदगी की वजह सूरतहाल इंतहाई संगीन, 500 तक पहुंचा AQI। ऑनलाइन चलेंगे स्कूल व कॉलेज, बाहर की सरगर्मियों को महदूद करने डॉक्टर्स ने दिया मशवरा। रेवंत रेड्डी, अगर ये साबित करे कि वादे पूरे हुए तो मैं छोड़ दूंगा सियासत, बीजेपी MP एटला राजेंद्र का चैलेंज। कहा, आपसे बहस के लिए हम मौजूद, मोदी जी की जरूरत नहीं। ED जल्द KCR, KTR व हरीश राव के खिलाफ करेगी कार्रवाई। कांग्रेस MLA माली रेड्डी रंगारेड्डी के रिमार्क से सियासी हलचल। शहर हैदराबाद में अब सड़कों पर कचरा फेंकने पर ट्रैफिक तर्ज के चालानात। CCTV और अमले की मदद से तस्वीर कशी, खसूसी GHMC ऐप से जारी होगा चालान।
हैदराबाद के गच्ची बौली सिद्दीक नगर में झुक गई 5 मंजिला इमारत। इमारत में मुकीम खानदानों को कराया गया खाली। हाइड्रा की कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, इमारत की इहरदामी कार्रवाई। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जिला मेदक में सर्द तरीन रात का तजुर्बा। मेदक में सबसे कम 12 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत में 200 रुपए की कमी। कीमत 77,800 रुपए 22 कैरेट 70,600 रुपए फी 10 ग्राम, जबकि प्योर चांदी 920 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब सितात उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। उम्रा का अपना सफर हमारे साथ तय करें, हैदराबाद से जिद्दा और जिद्दा से हैदराबाद तक हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। स्टार और डीलक्स उम्रा पैकेजेस, डायरेक्ट फ्लाइट, रोजाना 3 वक्त का लजीज हैदराबादी खाना, आलिम दीन की रहनुमाई में 2 दफा उम्रा की अदायगी, 300 मीटर्स मक्का और 100 मीटर्स मदीना के स्टार होटल्स में ख्याम, मक्का और मदीना की खुसूसी ज्यारतें, लॉन्ड्री सर्विस, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग, हैंड बैग, एहराब, जमजम, सिम कार्ड का फ्री गिफ्ट, इसके साथ ज्यादा ज्यारतों की सहूलत भी मौजूद। इमाम और मौजिन साहिबान के लिए खास डिस्काउंट। बुजुर्ग हजरात के लिए एक पर्सनल खिदमत गुजार हैदराबाद से हैदराबाद तक हमेशा रहेगा। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अंबिया कराम की ज्यारतें जिसमें बगदाद, नजफ, करबला का मुकम्मल पैकेज कम से कम प्राइस में। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो 13% और रमजान उमरा बुकिंग भी पहले करवाने पर जबरदस्त डिस्काउंट रहेगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के विजिट और वर्क परमिट वीजा की सहूलत भी सक्सेस गारंटी के साथ दस्तियाब है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और बीपी के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटी ट्रीटमेंट। शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक।